भारत में डाटा की कीमत पूरी दुनिया में कम है और भारत स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार भी है। ऐसे में अब जिस देश में इंटरनेट सबसे सस्ता है, जहां हर महीने करीब 20-30 नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां इंटरनेट यूजर्स भी काफी होंगे। अब सिस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2023 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 907 मिलियन यानी करीब 90.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि देश की आबादी का 64% है। वहीं करीब 50 करोड़ फिलहाल इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 2018 में थी इंटरनेट यूजर्स की संख्या थी 76.3 करोड़। साल 2018 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 763 मिलियन यानी 76.3 करोड़ थी, जो कि 2023 तक 90 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। इसका दावा सिस्को ने अपनी सिस्को एनुअल इंटरनेट रिपोर्ट 2018-2023 में की है। इंटरनेट यूजर्स की इस संख्या में 38% मोबाइल और 12% टीवी यूजर्स शामिल हैं। 2023 तक देश में 2.1 अरब डिवाइसेज इंटरनेट से कनेक्ट होंगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2023 तक देश में 67.2 मिलियन यानी 6.72 करोड़ 5G यूजर्स हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 20 में से एक यूजर 5G का होगा। वहीं 4G कनेक्शन कुल मोबाइल कनेक्शन का 53.1% होंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट फर्म वीआर सोशल और हूटस्वीट ने पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स और मोबाइल यूजर्स को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े वाली इस रिपोर्ट को डिजिटल 2020 नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल दुनिया, मोबाइल और सोशल मीडिया पर लोग कैसे अपना वक्त बिता रहे हैं। ये आंकड़े जनवरी 2020 तक के ही हैं। दुनिया के 92% लोग मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल